राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तुमर, आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल में पहली स्प्रे कब करें और किस दवा की करें, जिससे हमारे आलू की फसल स्वस्थ रहे और बढ़वार भी अच्छी करें। परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर लें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली स्प्रे लगभग 35 से 40 दिन की आलू की अवस्था पर कर देना चाहिए, क्योंकि आलू के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए तथा कीटों और रोगों के बचाव के लिए पहली स्प्रे अगर 35 से 40 दिन पर कर देते हैं तो आलू की फसल स्वस्थ रहेगी तथा निरोग भी रहेगी। तथा अगर दवा की हम बात करें तो पहली स्प्रे में हमें जो कार्बोनेजम 12% WP और 63% मैनकोजेब हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और एसिटामिपिड 20 SP को आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और घुलनशील NPK 19:19 या 20:20 को आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली स्प्रे में आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आलू की फसल पर किसान भाइयों आप स्प्रे कर देते हैं, तो इससे हमारी फसल है उसमें फफूंदीजनक जो रोग हैं वो आक्रमण उनका कम होगा तथा कीट और रोगों का भी आक्रमण किसान भाइयों उस आलू की फसल पर कम होगा तथा हमारे जो पौधे हैं आलू की फसल के वो बढ़वार भी अच्छी तरीके से करेंगे। किसान भाइयों, अगर फफूंदीजनक जो दवाएं हैं उनकी कीमत की जब हम बात करें तो कार्बोनेजम 12% और प्लस मैनकोजेब 63% WP जो टेक्निकल है वो मार्केट में 500 ग्राम की कीमत है वो लगभग 300 से लेकर 325 रुपये की लगभग मिल जाएगी। यह टेक्निकल मार्केट में किसान भाइयों धानुका कंपनी का सिक्सर और UPL कंपनी का सांप नाम से किसान भाइयों मिल जाएगा। अगर कीटनाशक दवा की जब कीमत की बात करें तो एसिटामिपिड 20 SP 100 ग्राम लगभग आपको मार्केट में 150 से 160 रुपए की लगभग मिल जाएगा। यह दवा मार्केट में आपको धानुका कंपनी की, धनप्रीत और कृषि रसायन कंपनी की यह दवा एक का नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर घुलनशील NPK 19:19 और 20:20 की कीमत की जब हम बात करें तो 1 किलो लगभग मार्केट में 170 रुपये 180 रुपये की लगभग मिल जाएगी। किसान भाइयों, मैंने जो 3 दवाएं आलू की फसल पर पहली स्प्रे में जो बताई, अगर आप आलू की फसल पर इनकी अगर स्प्रे करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तथा आलू की फसल को एक स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, जिससे आप अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक था, तब तक के लिए धन्यवाद।